गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, यदि आप एक नए यूट्यूबर हो या यूट्यूब पर चैनल बनाने की सोच रहे हो या आपने एक यूट्यूब चैनल बना लिया है, अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हम कौन कौन सी ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि जब भी आप यूट्यूब पर जाते हो और वहाँ वीडियो देखते हो एप्लीकेशनों की, तो आपको कोई 10 एप्लीकेशन बता रहा है, कोई 20 एप्लीकेशन बता रहा है। अब आपके पास एक मोबाइल है, आप तो यही 4-5 एप्लीकेशन डाउनलोड करने की सोच रहे हो कि हमारा काम चल जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 6 ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा जिससे आप अपने यूट्यूब चैनल को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। सारा काम 6 एप्लीकेशन से ही कंप्लीट कर सकते हो, आपको किसी और एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, चाहे तो आप इनमें से 5 भी यूज कर सकते हो अगर आपका मोबाइल हैंग करता है ज़्यादा एप्लीकेशन डाउनलोड करने से। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के लिए? सबसे पहले आपको बनानी होगी वीडियो। अब वीडियो 2 प्रकार की होती है। पहली वीडियो होती है हमारी फेसकैम वीडियो, जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ, कैमरे के सामने बैठ कर बना रहा हूँ, एक वीडियो ये हो गई। और दूसरी वीडियो होती है दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डर, जो हम मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, पीछे से हमारी आवाज आती है और मोबाइल की स्क्रीन चलती रहती है, उसे बोलते हैं वो फेसकैम वीडियो। और जो मैं बना रहा हूं ये होती है फेसकैम वीडियो। तो फेसकैम वीडियो के लिए दोस्तों आपको एक कैमरा इंस्टॉल करना पड़ेगा, ओपन कैमरा। दोस्तों, आपको डिफॉल्ट कैमरा यूज नहीं करना है जो मोबाइल में होता है, क्योंकि आप उससे हाई क्वालिटी की वीडियो शूट नहीं कर पाओगे। आप ओपन कैमरे से हाई क्वालिटी की वीडियो शूट कर पाओगे। दूसरा दोस्तों, जो नो फेस कैम वीडियो होती है, उसके लिए आपको AZ स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करना है। दोस्तों, बहुत से यूट्यूबर आपको बताएंगे कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, लेकिन आपको कोई भी नहीं करना है। AZ स्क्रीन रिकॉर्डर सबसे बेस्ट है और हर एक यूट्यूबर इसका ही यूज करता है। अब दोस्तों, आपके 2 काम हो गए, अब मतलब एक काम हो गया, आपकी वीडियो शूट हो गई, बन गई। अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आपको पड़ेगी एडिटिंग की ज़रूरत। अब एडिटिंग के लिए दोस्तों आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, लेकिन जो यूट्यूबर का बेस्ट होता है, जिसे हर एक यूट्यूबर यूज करता है, तो वो है किनेमास्टर। दोस्तों, इसे लोग किनेमास्टर के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इसे काइनमास्टर भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको काइनमास्टर को इंस्टॉल करना है। इसके अलावा आपको किसी भी ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वो भी कर लो, पावर डायरेक्टर भी कर लो, वीटा भी कर लो, नहीं, आपको कोई भी नहीं करना है। अगर ज़्यादा ऐप आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करोगे तो वो हैंग करने लगेगा, फिर आप एडिटिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे और वीडियो को अपलोड भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों, आपके 2 काम कंप्लीट हो गए, वीडियो आपकी शूट हो गई, बन गई, आपने उसको एडिटिंग भी कर लिया। अब आपके बात आती है थंबनेल की, जो दोस्तों आपको यूट्यूब पर पहली झलक दिखाई जाती है, जो पोस्टर दिखाया जाता है वीडियो पर, आप जब यूट्यूब खोलते हो वो उसके ऊपर पोस्टर होता है, थंबनेल लगा होता है वीडियो के ऊपर, उसकी बात आती है। तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, लेकिन आपको पिक्सल लैब ही इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में, क्योंकि वो सबसे बेस्ट होता है। उससे आप हाई क्वालिटी में अपने वीडियो के लिए थंबनेल बना सकते हो। उसके अलावा आपको कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना है। अब दोस्तों, आपके 3 काम कंप्लीट हो गए, आपकी वीडियो बन गई, एडिटिंग हो गई, आपका थंबनेल भी बन गया। अब दोस्तों, वीडियो अपलोड की बात आती है। तो दोस्तों, वीडियो अपलोड तो आप क्रोम ब्राउजर से ही कर सकते हो या डायरेक्टली फिर यूट्यूब एप्लीकेशन से ही कर सकते हो, उसके लिए आपको किसी भी ऐप की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, आपके 4 काम कंप्लीट हो गए। 5वां काम आता है आपका अपने चैनल को मैनेज करने का, अपने टाइटल को। मान लीजिए आपको टाइटल चेंज करना है, टाइटल बदलना है, या आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखना है, या आपको टैग भरना है, या आपको थंबनेल चेंज करना है, अपने चैनल को देखना है कितना हमारा चैनल ग्रो हो रहा है, अपनी वीडियो को देखना है कितने व्यूज आ रहे हैं, 1 घंटे में कितने आ रहे हैं, 48 घंटों में कितने व्यूज आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी कुछ चेक करने के लिए, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी YT स्टूडियो की। तो आप YT स्टूडियो डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में। इससे आप अपने पूरे चैनल को मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो, इसमें सब कुछ दिखाया जाता है। पहले दोस्तों क्या था, YT स्टूडियो नहीं था, तो लोगों को क्रोम ब्राउजर पे जाना पड़ता था, वहाँ पर अपना एनालिटिक्स खोलना पड़ता था। दोस्तों, ये सारा काम YT स्टूडियो से ही हो जाता है, YT स्टूडियो में ही हम सब काम कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान कर दिया यूट्यूब ने एक यूट्यूबर के लिए। अब दोस्तों, ये 5 एप्लीकेशन हो गई आपकी। सबसे पहली ओपन कैमरा, AZ स्क्रीन रिकॉर्डर और
तीसरी आपकी काइन मास्टर यानी कि किने मास्टर, और चौथी पिक्सल लैब, और पांचवी आपकी वाइटी स्टूडियो। अब दोस्तों आप चाहे तो एक ट्यूब बड़ी भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके मोबाइल में जगह है। आपका मोबाइल हैंग नहीं करेगा, आपको ऐसा लगता है आपके मोबाइल की मेमोरी कुछ ज़्यादा है तो आप ट्यूब बड़ी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इससे आप अपने रियल टाइम में व्यूज़ देख सकते हो। कीवर्ड डालकर आप ये देख सकते हो कि इस ये कीवर्ड हमारा सर्चेबल है या नहीं है, ये कितना रैंक कर रहा है कितना रैंक नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें भी देख सकते हो। अगर दोस्तों आपका मोबाइल हैंग करता है, ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं सपोर्ट करता, तो आपको इसको भी इंस्टॉल नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप जो मैंने 5 एप्लीकेशन आपसे बताई, इनसे ही आप अपने चैनल को मैनेज कर सकते हो, चला सकते हो। अब आप कन्फ्यूज मत होइए, अब आप ऐप डाउनलोड करने की वीडियो कोई भी नहीं देखे यूट्यूब पर, क्योंकि दोस्तों सभी यूट्यूबर अपनी वीडियो चलाने के लिए, अपनी वीडियो पर व्यूज़ लाने के लिए, कुछ अपनी वीडियो पर वीडियो अपलोड करने के बहाने से कुछ भी डाल देते हैं, इतनी भी एप्लीकेशन आपको बता देते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ जो मैंने एप्लीकेशन बताई, हर एक बड़ा क्रिएटर भी आपको यही एप्लीकेशन सजेस्टेड करेगा जो मैंने आपको बताई है, तो इनके अलावा आपको कोई भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करनी है। तो आई होप दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट कर बताना आपको इनमें से सबसे बेस्ट एप्लीकेशन कौन सी लगी। वैसे जो एप्लीकेशन मैंने बताई ये सबसे बेस्ट ही है। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेते हैं अलविदा, बेस्ट ऑफ लक।